हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वाले टॉपिक में देखा था कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं माल न्यूट्रिशन से। तो हम आगे उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने तीन पॉइंट पढ़े थे कि माल न्यूट्रिशन से मेन इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एंड मिनरल माल न्यूट्रिशन। तो हम देखते हैं विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके अंदर हमारे जो ये हमारे फूड का एक सबसे छोटा पार्ट होता है, माइन्यूट पार्ट ऑफ द फूड। तो हम क्या बोलते हैं, विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है हमारे फूड का और ये फंक्शनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें हम देखें तो इसके क्लियर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं अगर एक या एक से ज़्यादा विटामिन हमारी डाइट में एबसेंट हो। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे फूड में सब हमारे फूड का सबसे छोटा पार्ट है और ये हमारे फंक्शनली बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्लियरली हम देख सकते हैं हमारी डाइट में। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी क्या क्या डिफिशियंसी है। हम बोलते हैं कि जब विटामिन ए की हमारी बॉडी में कमी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हम रात को देख नहीं पाते या लाइट के अंदर देख नहीं पाते। तो हम क्या बोलेंगे, विटामिन ए की डिफिशियंसी से हमें क्या होता है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और इसको हम क्या क्या कह सकते हैं कि हमें या तो रात को देखने को नहीं मिलता या रोशनी में देख नहीं पाते। और एक और इसी तरह का विटामिन होता है थायमिन B1, उसकी वजह से हमें क्या डिजीज़ होती है, बेरी बेरी डिजीज़ से हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हमारी लो हार्ट बीट हो जाती है, वीकनेस हो जाती है मसल्स में और नर्व्स में। तो हम क्या क्या बोलेंगे, विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे फूड का सबसे छोटा पार्ट होता है, ये हमारे फंक्शनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी डिफिशियंसी हम बोल सकते हैं कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से हमें क्या डिजीज़ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है, हम रात को नहीं देख पाते और रोशनी में देख पाते। थायमिन जिसे B1 के नाम से भी जाना जाता है, उससे क्या डिजीज होती है, बेरी बेरी, और उसकी वजह से लो हार्ट बीट, वीकनेस इन मसल्स और नर्व्स में वीकनेस आ जाती है। अब हम आगे देखते हैं प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा किसे इफेक्ट करता है, छोटे बच्चों को। और ये सबसे ज्यादा प्रोटीन कि जो न्यूट्रिशंस लेते हैं प्रोटीन वगैरह के, तो वो सबसे ज़्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या एडोलेसेंस। एडोलेसेंस हम क्या बोल सकते हैं, 13 से 17 एज होती है जिसमें हम ना तो बच्चे होते हैं ना एडल्ट होते हैं, उसकी दोनों के बीच की एज होती है एडोलेसेंस। इस टाइम पे हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या डिजीज़ होती है, क्वाशरकोर के अंदर हमें क्या होता है, हमारा जो छोटे बच्चों का जो स्टमक होता है वो फूल जाता है और हमारा जो बिहेवियर हो जाता है वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, हम उदास से हो जाते हैं, खुश नहीं रहते, हमारा बिहेवियर बहुत अजीब हो जाता है। हमारी जो बॉडी की स्किन होती है वो पीली पड़ जाती है, ब्लैक हो जाती है, सूखी हो जाती है, ड्राई स्पॉटी हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं और टूटने लग जाती है, रप्चर टाइप की हो जाती है। और ऐसे ही प्रोटीन की कमी से एक और डिजीज होती है जिसे बोलते हैं हम मैरिस्मस। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो श्रिंक हो जाती है, मतलब सुकुड़ जाती है, हमारी आंखें जो होती है वो भी सूनी पड़ जाती है और अंदर गड्ढे से हो जाता है आईज के अंदर। इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, मैरिस्मस। तो हमें प्रोटीन की डाइट अच्छे से लेनी चाहिए। अब थर्ड पॉइंट क्या है, मिनरल माल न्यूट्रिशन। अब मिनरल माल न्यूट्रिशन का जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी डिफिशियंसी से हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जैसे एक मिनरल आयरन है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पेलिंग ऑफ फेस ड्यू टू एनीमिया। इसके अंदर हमारा जो फेस है वो पीला पड़ जाता है, किसकी वजह से, एनीमिया की वजह से। और हम ये भी जानते हैं कि आयरन हमें किससे, आयरन किसका पार्ट है, हीमोग्लोबिन का पार्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डेफिशिएंसी, अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और इसी के अंदर एक और मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हमारी जो बोन्स होती है वो वीक हो जाती है, तो हमें कैल्शियम भी अपनी डाइट में अच्छे से लेना चाहिए। इसी के अंदर एक आयोडीन भी आता है जिससे हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, उसकी वजह से हमें क्या होता है, गोइटर हो जाता है, एक डिजीज़ है ये भी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों से हम क्या जानते हैं, हमें डाइट अच्छे से लेनी चाहिए, हर चीज़ सुननी चाहिए, हमें अपनी मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए कि हमें हमारे खाने में अच्छा खाना खाना चाहिए, हर मिनरल विटामिन प्रोटीन एक इक्वल क्वांटिटी में लेना चाहिए ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ये जो मैरिस्मस डिजीज़ है और क्वाशरकोर डिजीज़ है, क्वाशरकोर में तो क्या होता है, प्रोटीन की कमी से हमें प्रॉब्लम हो रही है, और मैरिस्मस में क्या होता है, जब हम प्रोटीन तो ले रहे हैं पर उसकी जो
हमें एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी कम है तो हम बोलेंगे मैरिस्मस। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक तीन पॉइंट है हमारे पास, विटामिन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एंड मिनरल माल न्यूट्रिशन। तो हम सबको ये तीनों एक इक्वल अमाउंट में डेली हमारी डाइट में लेने हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि हम बैलेंस डाइट ले सकें। ये अब एक विटामिन का चार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं कि डिजीज़ और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो हमें ये टेबल अच्छे से पढ़नी है। आप घर पे इस टेबल को देखिएगा, जिसके पास आरबीएससी बुक हो साइंस की वो ये टेबल ज़रूर पढ़ना। इसमें विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, एस्कोर्बिक एसिड और कैल्सीफेरोल, ये हमें सारी विटामिन्स बताए हुए हैं और इनके क्या क्या डिजीज़ है उनके नाम और सिम्टम्स बताया है, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। अब तीनों टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, विटामिन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एंड मिनरल माल न्यूट्रिशन। तो अब इन तीनों से जो क्वेश्चंस, इस तीनों टॉपिक से जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उन क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्यू टू विच विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड। अब देखो कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द सिम्टम्स कॉज्ड बाय द विटामिन माल न्यूट्रिशन। हमें सिम्टम्स बताने हैं विटामिन माल न्यूट्रिशन से जो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। हमें डिजीज का नेम बताना है जो कि थायमिन की डेफिशिएंसी से हमें होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट द डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटीन एंड मिनरल माल न्यूट्रिशन। हमें डिजीज का नेम बताना है जो प्रोटीन और मिनरल माल न्यूट्रिशन से होती है हमें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वाशरकोर एंड मैरिस्मस। हमें दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है कि क्वाशरकोर क्या होता है, मैरिस्मस क्या होता है।